तो हमारा जलियाला बाग से कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से, खलीफात मूवमेंट एंड द नॉन कुश मूवमेंट, ठीक है। तो हमने ये टाइम जोन कौन सा है, देखो 1919 का, ठीक। इससे पहले सिचुएशन थोड़ा देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। पहला बात तो क्या चल रहा है, अभी नया नया क्या है कि वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ है, अब प्लस क्या है, होम रूल जो मूवमेंट था वो खत्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो एंटी रॉयल प्रोटेस्ट चल रहा था उसको महात्मा गांधी ने स्टॉप किया, खत्म किया, ठीक। उसके बाद क्या चल रहा था हमारा, कि कहीं ना कहीं जो जलियाला बाग के कारण जो कंट्री के अंदर आक्रोश या गुस्सा भर रहा था वो भर रहा था, ठीक है। अब क्या है, कहीं ना कहीं आप देखो वर्ल्ड वॉर वन के टाइम सिचुएशन क्या था, हमारा इन्फ्लेशन है, ठीक ना, इन्फ्लेशन का इश्यू हो रहा है हमारा, ठीक। प्राइस राइज कर रहा है, वर्कर्स को वेजेस उतना नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने वहां पे क्या किया कि मिलिट्री के थ्रू सप्रेस करने की कोशिश किया, ठीक, वो किया। तो क्या हुआ अल्टीमेटली, क्या हुआ इसके कारण, क्या लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ, और एक तो वेजेस कम हो रहा है उनका, ठीक है, सैलरी कम हो रहा है, प्लस हाई टैक्सेस उनके ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, और प्लस इन्फ्लेशन हाई हो रहा है, ठीक। इसके कारण एक खुन्नस था सबके अंदर, ठीक है, एक ये रीजन हो गया, कॉमन मैन इससे परेशान था, ठीक। उसका क्या, वर्कर्स लोग का प्रॉब्लम अलग ही था, क्या भैया ओवर टाइम का इश्यू, वेजेस लो मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद पुअर वर्किंग कंडीशन, ठीक है, ये सब इश्यू था उनको। उसके बाद जो हमारा दो मेन एक टाइप से जो आइडियोलॉजी था कंट्री के अंदर, एक मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, उनका क्या इश्यू था, देखो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट साथ में आए थे लखनऊ पैक्ट के बाद। तो क्या हुआ कि अल्टीमेटली जब होम रूल मूवमेंट हुआ था तो दोनों ने सपोर्ट किया था, ठीक है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं फेडेड अवे हो गया। बिकॉज हमने देखा क्या कि जो होम रूल मूवमेंट था हमारा, ठीक, उसका दो इंपॉर्टेंट लीडर क्या था, तिलक साहब हमारे बाहर चले गए कंट्री के, और एनी बेसेंट साहब ने क्या किया, मैडम ने क्या किया, उन्होंने पॉलिटिक्स से टाल ले लिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एक लीडरलेस मूवमेंट हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो ये तो दूसरा बात क्या था, मॉडरेट्स, मॉडरेट्स के मन में ये था कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आने वाला है 1919 में, ठीक है, तो उनसे उनको उम्मीद बना था कि कुछ रिफॉर्म मिलेगा हम लोग को। बट वो जब 1919 में उसका ड्राफ्ट आता है तो वो उम्मीद भी उन लोग का टूट जाता है। तो मॉडरेट्स जो थोड़ा मोड़ा फेवरेबल था ब्रिटिश की तरफ झुका होता, वो भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाता है उससे, ठीक है। और एक्सट्रीमिस्ट तो खैर रहता ही है, क्लियर, आखिर एक्सट्रीमिस्ट तो गायब भी हो जाता है एक टाइप से, जो भी हो रिवोल्यूशनरी जिसको हम बोल सकते हैं, आगे देखेंगे हम लोग, ठीक। तो मेनली क्या हो रहा है, सोसाइटी का हर वर्ग गुस्सा है, फ्रस्ट्रेट किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में स्टार्ट होता है खलीफात मूवमेंट। होता क्या है, देखो गांधी टुक कंट्रोल ऑफ नेशनल मूवमेंट इन 1919, ठीक है, इन हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द रेसिस्ट अथॉरिटीज ऑफ साउथ अफ्रीका, गांधी इवॉल्व द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया बहुत डिटेल में, ठीक है, कि गांधी ने जो रेसिस्ट अथॉरिटीज से जो लड़ाई लगा था साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है, तो उस लड़ाई के दौरान ही उन्होंने अपना नॉन वायलेंस और सत्याग्रह का वो एक टाइप से ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया था। गांधी शोड द पीपल अ न्यू वे ऑफ फाइटिंग इनजस्टिस विदाउट वायलेंस, ठीक है। तो गांधी ने क्या किया, लोगों को दिखाया कि भैया देखो बिना आप झगड़ा किए, बिना मारपीट किए भी आप इनजस्टिस से लड़ सकते हो। स्वदेशी प्रोग्राम ऑफ गांधी वॉज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट पॉलिटिकल फ्रीडम वॉज क्लोजली लिंक्ड लाइक विद सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। मतलब उनका सिंपल सा मानना क्या था, भैया जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो ना वो सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस के बिना नहीं आ सकता। अगर हमको पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए तो हमको अपने सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर भी चेंजेस लाना पड़ेगा। एंड इट मीन द यूज ऑफ थिंग्स belonging to one's own country, particularly stressing the replacement of foreign machine-made goods with the Indian handmade goods. ठीक है, तो मतलब गांधी का ये कहना था कि अगर हमको political freedom चाहिए तो हमको अपने country के अंदर social और economical change लाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये कि सबसे important कि इस जो social और economical change लाने के लिए सबसे important चीज क्या है कि आप कम से कम जो foreign clause है उसका boycott करो। Because क्या, अगर आप foreign clause का boycott कर रहे हो तो इससे economical change क्या आएगा, आपका country का जो balance of trade हो रहा है वो deficit कम होगा, clear है, trade deficit कम होगा आपका। तो मतलब क्या, आपका जो वेल्थ है वो बाहर नहीं जाएगा, ठीक, ये आपका इकोनॉमिकल मेन हो गया। और सोशल क्या होगा कि अगर मान लो कि बाहर से आने वाला सामान कम हो रहा है तो नेचुरल से बात है कि लोग उसको डोमेस्टिक गुड्स जो होगा उससे रिप्लेस करेंगे, ठीक। तो मान लो बाहर से कपड़ा अगर मान लो कम आ रहा है, ठीक है, तो कंट्री के अंदर क्या होगा, कपड़े का प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक। कंट्री के अंदर कपड़े का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा हमारा, ठीक, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, पॉवर्टी कम होगा हमारा, ठीक है। तो जब ये सब काम हो पाएगा तब सब लोग इंपावर्ड होंगे और सब लोग तब उनका कंडीशन बन पाएगा कि वो लोग पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए आवाज उठाए। बिकॉज पॉलिटिकल फ्रीडम का जो बात होता है कि भैया हमको राइट चाहिए, राइट चाहिए, भैया भूखे पेट सत्याग्रह नहीं होता है, ठीक है, या भूखे पेट लड़ाई नहीं लड़ा जाता है। सबसे पहले आप लोगों का नीड है, सोसाइटी का नीड है, इकोनॉमिकल नीड है, उनका बेसिक नीड है, उसको आप पूरा करने का जुगाड़ लगाओ, ठीक है, क्लियर है। तो ये जब आपका उनको सोशली और पॉलिटिकल, सोशली और इकोनॉमिकली आप वेल ऑफ करोगे उनको, ठीक है, सोशली और इकोनॉमिकल चेंज लाओगे उनके लाइफ के अंदर, तो नेचुरल से बात है कि वो लोग जब वेल ऑफ हो जाएंगे तो खुद ब खुद पॉलिटिकल डिमांड का मांग करेंगे, क्लियर है।
गांधीयन फिल। हाँ भैया, हाँ भैया, पॉवर्टी कहीं ना कहीं एक सोशल प्रॉब्लम है। अगर पॉवर्टी सैलरी दे रहे किसी को तो आपको वो सोशल फ्रीडम भी होता है, क्योंकि देखो आपने ना इकोनॉमिक हो लेकिन उसका साइड में पॉवर्टी सोशल भी तो होता है। लेकिन मान लो जैसे हमने क्या देखा था क्लास 9 का, जब हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स, हमने क्या डिस्कस किया था वहां पे, जैसे मान लो कि क्या होता है, कोई आदमी पुअर है ठीक ना, तो नेचुरल से बात है क्या वो होता है, वो सोसाइटी से कहीं ना कहीं एक्सक्लूड हो जाता है, ठीक है, उसका सोशल एक्सक्लूजन होता है, ठीक, सभी लेवल पर, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे इकोनॉमिकल लेवल पे हो, चाहे किसी भी लेवल पर, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल मान लो कोई आदमी पुअर है, ठीक, तो नेचुरल से बात है कि सोशल सेक्टर से हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गया, उसके लिए बंद हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो पॉवर्टी के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारा लेयर्स होता है, ठीक राहुल जी। तो गांधीयन फिलोसफी अट्रैक्टेड मिलियन ऑफ पीपल इन टू द नेशनल मूवमेंट, ठीक, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया बहुत डिटेल में, क्यों अट्रैक्ट किया था, नहीं किया था। ड्यूरिंग 1919 एंड 1922 ब्रिटिश वेर अपोज थ्रू टू मास मूवमेंट्स। तो 1999 से लेकर 92 तक क्या हुआ था कि हमारा 19 से लेकर 22 तक क्या हुआ था, ब्रिटिश ने मिली इंडिया के अंदर दो मास मूवमेंट फेस किया, ठीक है, एक खलीफात इशू और एक नॉन कॉपरेशन इशू, ठीक। तो दोनों जो मास मूवमेंट था वो एक तरह से मर्ज हो जाता है, ठीक है, मर्ज होता है और एक कॉमन फ्रंट ब्रिटिश के सामने पेश करता है, लेकिन सिचुएशन ऐसा हो पाता है कि बाद में फिर वो डाइवर्ट दोनों अलग हो जाता है, लेकिन एक काफी स्ट्रांग मतलब ब्रिटिश को चैलेंज करता है दोनों मूवमेंट मिलकर। दो द टू मूवमेंट इमर्ज फ्रॉम सेपरेट इशू। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, खलीफात इशू जो था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, ये दोनों का इशू अलग अलग था, ठीक है, इशू अलग अलग था, लेकिन गांधी जी ने अपॉर्चुनिटी देखा कि भैया यहाँ पर बात है कि ये अपॉर्चुनिटी हम दोनों मूवमेंट को मिलाते हैं इंडिया के अंदर, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमारा बन सकता है, इसलिए गांधी जी ने दोनों मूवमेंट को मिला दिया था। दो द टू मूवमेंट इमर्ज फ्रॉम सेपरेट इशूज दे अडॉप्टेड अ कॉमन प्रोग्राम, ठीक है। दो द टू मूवमेंट्स इमर्ज फ्रॉम सेपरेट इश्यूज दे अडॉप्टेड अ कॉमन प्रोग्राम ऑफ एक्शन नॉन वायलेंट एंड कॉपरेशन, ठीक है। तो दोनों भले ही अलग अलग इश्यू से जनरेट हुआ वो मूवमेंट मेरा, खलीफात और नॉन कॉपरेशन, लेकिन दोनों ने जो एक मेथड अडॉप्ट किया था स्टार्टिंग में, वो एक ही मेथड था, नॉन वायलेंट एंड नॉन कॉपरेशन, क्लियर है। खलीफात इश्यू वॉज नॉट डायरेक्टली लिंक टू इंडियन पॉलिटिक्स बट इट प्रोवाइडेड, अब समझ लो खलीफात इश्यू क्या था, इजी होगा समझने में। देखो जैसे आज के टाइम में मान लो क्या होता है कि ऐसे मान लो कि आज के टाइम में अगर मान लो कोई हिंदू रह रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल मान लो कनाडा में रह रहा है, चाहे एग्जाम्पल पाकिस्तान में क्यों ना रह रहा हो, चाहे मान लो कि यूएसए में क्यों ना रह रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, कहीं ना कहीं धार्मिक प्लेस कौन सा होता है, अयोध्या, क्लियर, सेंटीमेंट जुड़ा है, क्लियर है। उसी तरह क्या होता था उस टाइम में, क्या होता कि जो दुनिया भर के जो मुस्लिम्स है ना, इस्लाम इस्लाम फॉलो करने वाले, उनका एक टाइप से जो धार्मिक प्लेस था वो एक टाइप से वो मानते थे, जो खलीफात होता है ना, खलीफात एग्जाम्पल की जो कहीं ना कहीं इस्लाम को लीड करने वाला एग्जाम्पल खलीफात, ठीक ना। तो जो टर्की का जो राजा होता था ना, टर्की का राजा किंग को, वो अपना एक टाइप से धर्म गुरु टाइप से मानते थे दुनिया भर के सारे मुस्लिम्स, क्लियर है, क्लियर है, ये रहा है। अब जैसे आज के टाइम में मान लो कि गवर्नमेंट मान लो कुछ करे एग्जाम्पल, ठीक है, तो नॉर्मल सा बात है कि लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते, तो उस टाइम क्या हुआ था कि क्योंकि देखो ब्रिटिश जो था इंडिया में रूल कर रहा था, ठीक, मतलब ब्रिटिश का इंडियन गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, और जो वर्ल्ड वॉर का जो टाइम चल रहा था, वर्ल्ड वॉर में क्या था, ब्रिटिश और टर्की एक के अगेंस्ट पार्टी में था, ठीक है, अलग अलग टीम में था दोनों, ठीक है। अब क्या होता है, ब्रिटिश जीत जाता है, ब्रिटिश जीतने का क्या करता है, खलीफात जो टर्की का जो राजा किंग ऑटोमन एम्पायर होता है ना, उसको सीज कर लेता है, क्लियर, सीज करके खलीफा को हटा देता है उसके पद से, क्लियर। तो नेचुरल से बात है, ऐसे में क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा किया, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए इंडिया में खलीफा इशू स्टार्ट होता है, टू रिस्टोर द खलीफा इन टर्की, क्लियर है चीज। इसको आप प्रेजेंट से जोड़ सकते हो, कि मान लिया जाए कि यहाँ पे आ गया एग्जाम्पल कुछ, ठीक है, एग्जाम्पल मान लो आपको ड्रस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, तो मान लो कि उसके किसी हेड को हटा दिया गया, तो नेचुरल से बात है कि दुनिया में कहीं भी हिंदू जो प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मतलब जो भी चीज चाहे सोशल मीडिया पर करे, चाहे कहीं पर भी करे, ठीक, तो सेम चीज वहां पर भी हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, खलीफा जो इशू था हमारा वो क्या था, इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं था, ठीक है, वो क्या था, एक इंटरनेशनल कॉज से रिलेटेड था हमारा, कि ब्रिटिश ने ऑटोमन एम्पायर को रिमूव कर दिया था, ठीक है, उसी के प्रोटेस्ट में ये मूवमेंट यहाँ स्टार्ट हुआ था, क्लियर है। पोस्ट के लिए था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में था, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा किया है हमारे धार्मिक उसको इसके लिए किया है, लेकिन क्या हुआ, हाँ हाँ भैया, भैया वो अलग,
वो अलग चीज है, ठीक है, वो अलग वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है वहां पे, इसमें डिस्कस फादर है। दूसरा बात क्या, मैंने बताया ना कि दुनिया में सिर्फ रिलीजन का नाम दिया जाता है, असली में सब झगड़ा हुआ था पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, ठीक ना। ब्रिटिश ने भले कुछ बोल दिया हो, यूरोपियन ने कुछ भले बोल दिया, लेकिन जो मिडिल ईस्ट है ना, मिडिल ईस्ट ठीक है, या फिर हमारा वेस्ट एशिया, वहां पे उनका एक ही रीजन है, ठीक है, एक ही रीजन है वहां, मतलब इंटरेस्ट लेने का, वो है ऑयल। उसके अलावा कुछ इंटरेस्ट नहीं है उन लोगों का, ठीक है, एक ही रीजन है ऑयल, वरना हम लोग कोई मतलब नहीं उस चीज से। जैसे देखो ना, यमन हुआ, सऊदी अरबिया हुआ, तो वहां मतलब कितना एग्जाम्पल, कितना वायलेंट हो रहा है यमन के अंदर, ठीक है, भुखमरी ऐसा कंडीशन आज से नहीं 10 ही साल से, लेकिन वहां के बारे में कोई डेवलप कंट्री कुछ नहीं बोलता है, बिकॉज सऊदी अरबिया जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस पार्टनर है, बिकॉज वहां से ऑयल उसको मिलता है, ठीक है। तुम्हारा यहाँ तक हो गया। हाँ, तो खलीफात इश्यू वॉज नॉट डायरेक्टली लिंक टू इंडियन पॉलिटिक्स, बट इट प्रोवाइडेड। अब देखो गांधी जी, अब क्या हुआ, दोनों मूवमेंट स्टार्ट हुआ, अब दोनों का दुश्मन कौन, ब्रिटिशर्स। तो गांधी जी ने क्या सोचा कि अच्छा मौका है, हम एक काम करते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी को करने का साथ में, इसलिए गांधी जी ने दोनों को बात करके एक टाइप से दोनों को मूवमेंट को साथ मिलाया, ठीक है। खलीफात इश्यू वॉज नॉट डायरेक्टली लिंक टू इंडियन पॉलिटिक्स बट इट प्रोवाइडेड द इमीडिएट बैकग्राउंड टू द मूवमेंट एंड गेव एन एडेड एडवांटेज ऑफ सीमेंटिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगेंस्ट द ब्रिटिश, क्लियर। अब क्या क्या बैकग्राउंड था जिसने कि अल्टीमेटली हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लीड किया। बैकग्राउंड वॉज प्रोवाइडेड बाय द सीरीज ऑफ इवेंट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन, ठीक। द ईयर 1919 सॉ अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसकंफर्ट अमंग ऑल द सेक्शन ऑफ इंडियंस, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, वर्कर्स दुखी, सब दुखी। इकोनॉमिक सिचुएशन हैड बिकम अलार्मिंग विद द राइज ऑफ प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, ठीक, डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इंक्रीज इन बर्डन ऑफ टैक्सेस एंड रेंट्स। Almost all section of society suffered economic hardship due to war and this strengthened the anti-British attitude. तो क्या होता है जब वॉर होता है, तो क्या होता है, गवर्नमेंट का सारा फोकस कहाँ चल जाता है, सारा फोकस, सारा रिसोर्सेज डाइवर्ट कर दिया जाता है हमारा कहाँ पे, वॉर मटेरियल के ऊपर, ठीक है, या वॉर लड़ने में। तो ऐसे में क्या होता है, सोसाइटी के अंदर जो असेंशियल चीज का या बेसिक चीजों का जो प्रोडक्शन होता है कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, ठीक है। अब क्योंकि सप्लाई कम हो जाता है असेंशियल चीजों का, ऐसे प्राइस राइज हो जाएगा उसका, ठीक। तो मेनली क्या था, सोसाइटी का हर वर्ग जो था दुखी था, चाहे वर्कर्स हो, चाहे फार्मर्स हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे जो भी हो, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि अल्टीमेटली इन सारे रीजन ने मिलकर क्या किया कि सभी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड डेवलप किया। रॉयट एक्ट ऑलरेडी, और गुस्सा को मतलब आग में घी डालने का काम किया। इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ इन पंजाब एंड जलियांवाला बाग, इसने तो आग में मतलब घी नहीं, पेट्रोल डीजल सब डाल दिया। एक रॉयल एक्ट इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ इन पंजाब एंड जलियांवाला बाग मैसेकर एक्सपोज द ब्रूटल एंड अनसिविलाइज्ड फेस ऑफ द फॉरेन रूल, ठीक है। तो इसने पूरे तरीके से एक्सपोज कर दिया कि भैया आप, इससे पहले क्या जो थोड़ा लोग मानते भी थे कि नहीं चलो सिविलाइज है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, सबका भ्रम एक बार में टूटा, क्लियर है। अब क्या होता है जलियांवाला बाग के बाद में क्या होता है, एक हंटर कमीशन बिठाता है, ठीक ना। हंटर का याद रखना कि हंटर कमीशन में कांग्रेस ने ज्वाइन नहीं किया था, ठीक। हंटर कमीशन ऑन पंजाब एट्रोसिटीज प्रूव टू बी आई वॉश, सिर्फ दिखावटी था, ठीक है। हंटर कमीशन जो था पंजाब एट्रोसिटीज के बाद, ये जलियांवाला बाग के बाद जो हंटर कमीशन बैठा था हमारा, वो सिर्फ आंख दिखा मतलब सिर्फ दिखावटी के लिए था, रियल में कुछ हुआ नहीं। इन फैक्ट द हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडोर्स्ड जनरल डायर एक्शन एंड द ब्रिटिश पब्लिक शोड सॉलिडरिटी विद द जनरल डायर। हाँ, तभी तो क्या होता है कि जब विक्टोरिया क्वीन आती है इंडिया में शायद 50 साल के बाद या फिर जो भी हो, तो वो बाद में सॉरी भी बोलते हैं एग्जाम इंडिया में, फिर जो भी हो चीज पता नहीं, ठीक है। वो लोग जाते भी है वहाँ पे मतलब वो माला वाला चढ़ाने के लिए, ठीक है। मॉन्टे चेल्समोन रिफॉर्म फेल टू सेटिस्फाई द राइजिंग डिमांड ऑफ द इंडियंस फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। तो जो 1919 में रिफॉर्म आता है, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, कुछ खास रिलीफ मिलता नहीं या कुछ खास उम्मीद बचता नहीं इंडियंस को कि भैया हमको कुछ सेल्फ गवर्नमेंट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सब रीजन था, देखना एक बार, देख लो एक बार। क्या क्या रीजन था हमारे नॉन कॉपरेशन का,
हो गया। ठीक है चलो। ये सब हमारा बैकग्राउंड कल्चर के कारण कि अल्टीमेटली लोगों के अंदर गुस्सा भरता है, और उस गुस्से के कारण हमारा अल्टीमेटली क्या होता है, नेशनल लेवल पे पहला नेशनल मूवमेंट होता है इंडिया के अंदर। इससे पहले कोई भी हमारा नेशन वाइड कोई मूवमेंट नहीं हुआ था। क्लियर ये चीज? इससे पहले जो सबसे बड़े लेवल पर जो मूवमेंट हुआ था हमारा स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, लेकिन वो भी ऑल इंडिया लेवल पर नहीं था, वो भी मेनली बंगाल तक या ईस्टर्न इंडिया तक ही लिमिटेड था। थोड़ा मोड़ा महाराष्ट्र, थोड़ा मोड़ा पंजाब मान सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी वो बंगाल तक ही। ठीक है। पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड सॉ द कॉमन पॉलिटिक्स पॉलिटिकल एक्शन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। ठीक, तो मेनली क्या था, दोनों का कॉमन दुश्मन कौन पड़ रहा था, कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स पड़ रहा था। इसलिए गांधी ने अच्छा मौका खोज देखा कि दोनों को यूनाइट करने का अच्छा मौका है। ठीक है, और प्लस इंसिडेंट भी हमारा ऐसा हो रहा था। देखो 1960 में क्या होता है, लखनऊ पैक्ट होता है। ठीक, तो मेनली क्या होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम जो होता है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिलकर काम करता है। ठीक है, तो ये भी एक रिजल्ट होता है कि हमारा जो जो 1916 से लेकर 1922 तक बोल सकते हैं कि हमारा हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो था इंडिया में बहुत अच्छा था नेशनल मूवमेंट के टाइम में। ठीक है, उसके बाद बिगड़ना स्टार्ट होता है। तो भैया लखनऊ पैक्ट 1916 हैड स्टिम्युलेटेड कांग्रेस मुस्लिम लीग कोऑपरेशन। ठीक है, क्या था ऐसा कंटेंट, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। रॉयल एक्ट एजिटेशन ब्रॉट हिंदू एंड मुस्लिम्स एंड आल्सो अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टुगेदर। ठीक है, जलियांवाला बाग सबको साथ लाया। द यंगर एलिमेंट्स एडवोकेटेड मिलिटेंट नेशनलिज्म एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, तो जो यंग लोग थे वो चाहते थे कुछ मिलिटेंट एक्शन हो यहाँ पर। दे हैड स्ट्रॉन्ग एंटी इंपीरियलिस्ट सेंटीमेंट्स, ब्रिटिश के अगेंस्ट में बहुत स्ट्रांगली वो नेगेटिव साइड में थे। इन दिस एटमोस्फेयर इमर्ज खलीफात मूवमेंट। ये हुआ वाज अ पैन इस्लामिक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कैंपेन लॉन्च बाय मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड टू प्रोटेक्ट द ऑटोमन एम्पायर। ऑलरेडी बता दिया क्या कि जो टर्की के अंदर ऑटोमन एम्पायर था, ठीक, उसको रिमूव कर देता है ब्रिटिश, इसीलिए यहाँ पर इंडिया के अंदर स्टार्ट होता है खलीफा मूवमेंट। इट वॉन द सपोर्ट ऑफ महात्मा गांधी एंड द कांग्रेस। ठीक है, तो बाद में क्या होता है, महात्मा गांधी और कांग्रेस, मतलब महात्मा गांधी ने सोचा कि भाई अच्छा मूवमेंट है दोनों को यूनाइट करने का, तो एक कॉमन फ्रंट बना के ब्रिटिश के सामने दोनों ने प्रेजेंट किया। इंडियन मुस्लिम्स वेर एंग्रीड बाय द ट्रीटमेंट विद टर्की बाय द ब्रिटिश आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, गुस्सा थे कि भैया टर्की का कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है। मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड रिगार्डेड द सुल्तान ऑफ टर्की एज द स्पिरिचुअल लीडर खलीफा, सो नेचुरली देयर सिंपैथीज वेर द टर्की वेर विद टर्की। ठीक है, ड्यूरिंग द वॉर टर्की हैड अलाइड विद जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये भी काम कर, ठीक है, तो मेरे लिए क्या था, मैंने क्या बताया ब्रिटिश क्या था कि वर्ल्ड वॉर वन के टाइम में क्या था, ब्रिटिश हुआ, ठीक है, सब जर्मनी हुआ। ठीक है, ये दो मेन पार्टी था। तो ब्रिटिश के साथ कौन कौन था, फ्रांस था, ब्रिटिश टीम में फ्रांस था। ठीक है, फिर ब्रिटिश टीम में कौन आता है, रशिया आता है, फिर यूएसए भी आता है। ठीक है, इधर कौन कौन आता है आपका जर्मनी की टीम में, मेनली हो जाता है आपका ये ऑटोमन एम्पायर मतलब टर्की हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर और ही मान लिया जाए इटली भी रहता है, लेकिन इटली बाद में दल बदल लेता है, देखेंगे बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत सी। When the war ended, Khalifa removed from power. जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो जाता है तो क्या होता है, ब्रिटिश ऑटोमन एम्पायर का एरिया को जीत लेता है, उसको हटा देता है, तो क्या होता है अपने हिसाब से डिक्टेट करता है और खलीफा को हटा देता है। ठीक है, When the war ended, Khalifa removed from power with the military occupation of Istanbul and the Treaty of Versailles. अब ये मत पूछना Treaty of Versailles क्या था, क्योंकि Treaty of Versailles के ऊपर मतलब एक लेक्चर नहीं, मतलब बहुत सारे लेक्चर चला जाएगा हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या था, ये हमारा ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो था हमारा। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल क्या होता है, वर्ल्ड वॉर वन के बाद में, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो होता है हमारा वर्ल्ड वॉर वन के एंड में साइन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ये कि कहीं ना कहीं ये इसका जो क्लॉज, इसके अंदर जो कॉन्टेंट होता है ना, इसके अंदर जो प्रोविजन होता है, वही कहीं ना कहीं हमारा वर्ल्ड वॉर टू का रीजन भी बनता है। ठीक है, तो इट वॉज द क्या ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अंदर मैं क्या बोला, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, इसलिए ज्यादा अभी नहीं बताऊंगा, बस इतना बता दिया ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो होता है ना, क्यूरियोसिटी जगा दिया। ठीक है, कि अभी
कि वर्ल्ड वॉर वन का जो एंड होता है ना इसी ट्रीटी से साइन होता है, लेकिन बाद में ये जो ट्रीटी होता है ना इससे क्वेश्चन बनता है क्या कि द सीड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू वॉज प्लांटेड एट ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ठीक है तो उसका हाँ भैया हाँ भैया ठीक है भैया बता देता हूँ क्या था इसके अंदर। देखो इस ट्रीटी में मिली क्या हुआ, देखो ट्रीटी अब देखो जीता कौन था, ब्रिटिश फ्रांस यूएसए ये मिली तीन था ठीक है, रशिया ही मान सकते हो ठीक है, रशिया बाद में रिमूव हो जाता है तो हटा दो इसको एक टाइप से ठीक है, वो बाद में उसके यहाँ 1917 में रिवॉल्ट हो जाता है तो हटा देता अपने आप, ये मेन तीन था ठीक है। इसमें जो यूएसए था वो क्या चाहता आप, हारा कौन था, जर्मनी हारा था ठीक है। जर्मनी क्या था एक टाइम में इतना बड़ा इंडस्ट्रियल नेशन बन गया था कि डायरेक्टली उसने कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज को, ब्रिटेन को, फ्रांस को रिमूव कर दिया था और कहीं ना कहीं यूएसए से टक्कर ले रहा था ठीक है, प्रोडक्शन या इंडस्ट्रीज के मायने में। तो क्या था यूएसए नहीं चाहता था कि हार्श कंडीशन उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाए ठीक है, ट्रीटी के अंदर हार्श कंडीशन इम्पोज किया जा सके ठीक है, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन जो था खासकर फ्रांस ठीक है। अब देखो फ्रांस और जर्मनी क्योंकि बॉर्डरिंग कंट्री है ना, फ्रांस और जर्मनी, ये रहा फ्रांस जैसे ये रहा फ्रांस है ठीक है, तो ये रहा जर्मनी, तो दोनों का कंट्री क्या क्या है बॉर्डरिंग कंट्री है ठीक ना, तो इनके बीच में इशू बहुत पुराना होता है। तो क्या होता है 1870 के आसपास फ्रांस और जर्मनी के बीच में झगड़ा होता है ठीक है, वॉर होता है। तो क्या होता है जर्मनी वाला घुस के फ्रांस का एरिया कैप्चर कर लेता है ठीक है, और कहीं ना कहीं उसका रॉयल कोर्ट में बैठ के साइन करता है ट्रीटी को, और जिससे उसका एरिया जर्मनी अपने एरिया में ला लेता है ठीक है। ये था 1970 का केस ठीक है। तो मिल क्या था फ्रांस उस बात से खुन्नस खाया था कि भैया बेइज्जती का बदला तो लेना है ठीक है, खून खोलता है मेरा, बेइज्जती का बदला लेना है ठीक। तो अब जब मौका मिला तो फ्रांस ने क्या, इन लोगों ने ट्रीटी बनाया, ट्रीटी बस उसको मेनली क्या था जर्मनी के अंदर ये डाला गया भैया वॉर तुम्हारे कारण हुआ, इसलिए इतना बिलियन डॉलर जो है आप हर साल या फिर वॉर गिल्ड भरोगे ठीक ना, वॉर से जो नुकसान वो भरोगे, अपना आर्मी को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा ठीक है, उसके अलावा अपना नेवल पावर को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा ठीक है, आर्मी पे आप खर्चा नहीं कर सकते ज्यादा ठीक। उसके अलावा क्या कि आपके कैप्चर में जो एरिया था उसे, इस कैप्चर में जो एरिया था डेनमार्क वगैरह उससे छीन लिया गया, प्लस क्या था जो ये जो उसका जो सबसे जो मतलब रिसोर्सफुल एरिया है जर्मनी का राइनलैंड वाला, वो भी फ्रांस अपने एरिया में कैप्चर में ले लेता है ठीक है। अब क्या हुआ दूसरा बात क्या, उस समय क्या होता है जर्मनी में कहीं ना कहीं क्या था एक डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक गवर्नमेंट होता है ठीक, जब इतना कुछ होगा एक कंट्री के अंदर तो नेचुरल से बात है कहीं ना कहीं जो कंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उससे अगेंस्ट में लोग प्रोटेस्ट करेगा। तो वैसे में क्या होता है कि एक एक न्यू पार्टी इमर्ज होता है जो कि हथेली में चांद दिखाता है, लाइक एग्जांपल हम लाएंगे अच्छे दिन ठीक है, तो लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं कि हाँ भैया ये बंदा अच्छे दिन लाएगा ठीक। तो वो अच्छे दिन लाने वाला बंदा क्या होता है इलेक्शन लड़ता है ठीक है, इलेक्शन लड़ता है, इलेक्शन जीतता भी है ठीक है। इलेक्शन जीतने के बाद क्या होता है 1924 के आसपास इलेक्शन जीत के ये एक टाइप से क्या होता है कि जर्मनी के अंदर हमारा दो पोस्ट होता है, एक होता है कि हमारा प्रेसिडेंट होता है ठीक है, एक चांसलर, एक प्रेसिडेंट हो गया एक चांसलर हो गया ठीक है। तो मेनली क्या होता है प्रेसिडेंट फाइनली क्या होता है जब देखता है इसका लोकप्रियता बढ़ रहा है तो उसको चांसलर अपॉइंट कर देता है ठीक। तो बाद में क्या होता है 1924 से लेकर 1935 तक अप्रोक्स ये डेमोक्रेटिक सिस्टम से 10-15 साल तक रूल करता है ठीक है, 10-11 साल तक ठीक है। बाद में क्या होता है कि प्रेसिडेंट का डेथ होने के बाद न्यू प्रेसिडेंट को अपॉइंट नहीं करता है, और धीरे क्या होता है अपना सारा जो पावर होता है उसको सेंट्रलाइज कर लेता है ठीक है, एक पर्सनल आर्मी बना देता है ये भैया, जो भी कहीं पर प्रोटेस्ट हो तो उसको एंटी नेशनल बोलकर उसको मार दो, खत्म कर दो, जला दो, मरा दो ठीक है, जेल में डाल दो क्लियर है। तो ऐसे करके क्या होता है कि सब कुछ से पावर सेंट्रलाइज कर लेता है, और अल्टीमेटली क्या होता है पार्लियामेंट सेशन ही ना हो इसलिए पूरा पार्लियामेंट एक टाइप से जलवा देता है, जो भी चीज हो जल जाता है ठीक है। तो मोटा मोटी ये सिस्टम होता है हमारा। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि एक डेमोक्रेसी जो मतलब एग्जांपल, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर इसके अंदर मामले से क्लॉज नहीं होता, हार्स क्लॉज नहीं होता वो चीज ठीक है, तो नेचुरल से बात है कि लोग उतर लोगों के अंदर उतर वो नहीं आता, सिचुएशन खराब नहीं होता ठीक है, अब वो राइज नहीं कर पाता, गोल्डन डेज बोल के लाएंगे हम लोग क्लियर। तो इसका मतलब क्या कि चाहे कोई ये कोई भी डिक्टेटर हो, चाहे वो हिटलर हो ठीक है, चाहे वो मुसोलिनी हो इटली का ठीक, उसके बारे में हम लोग देखेंगे दोनों बारे में, मतलब दोनों जो डिक्टेटर था ना ठीक है, वो डिक्टेटर अचानक नहीं बना, वो एक स्लो प्रोसेस था। वो स्टार्टिंग में क्या था, उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम का यूज करके ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम का यूज करके इलेक्शन लड़के वो लोग इलेक्ट हुए ठीक है। इलेक्ट होने के बाद धीरे धीरे पावर को सेंट्रलाइज किया, और आफ्टर एक टाइम के बाद वही सब कुछ हो गए। समझ गए भैया, मेरा डेमो देखने को मिल जाएगा कुछ सालों बाद, डेमो देखने को मिल जाएगा कुछ सालों के बाद, मिल ही रहा होगा, मिल ही रहा होगा।
हटाओ छोड़ो, ठीक है चलो। हाँ चलो, हाँ हेटली के बारे में देखा था हमने, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ट्रीटी ऑफ वर्साइल क्लियर हो गया हमारा, ठीक तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ भैया, भैया आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है वो, ठीक है। नहीं, ठीक है, अब मेरे को एंटी नेशनल बोल के जेल में डाल देगा फिर लोग, ठीक है। तो व्हेन द वॉर इंडेड खलीफा रिमूव, तो हाँ व्हेन द वॉर इंडेड खलीफा रिमूव फ्रॉम द पावर विद द मिलिट्री ऑक्यूपेशन ऑफ द इस्तांबुल एंड ट्रीटी ऑफ वर्साइल इन इंडिया, अली ब्रदर्स अलोंग विद सम अदर मुस्लिम लीडर्स सच एज मुख्तार अहमद अंसारी, हजरत मुहानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमत, जो ज्वाइन एंड क्रिएटेड ऑल इंडिया खलीफा कमेटी। तो इंडिया में क्या होता है कि अली ब्रदर्स और कुछ बड़े बड़े लीडर्स के हाथ मिलकर क्या होता है, इंडिया के अंदर ऑल इंडिया खलीफात कमेटी बनाते हैं, ठीक ना, एट लखनऊ 1919, ठीक। तो 1919 में क्या होता है, ये लोग लखनऊ के अंदर सेशन करते हैं, उसमें क्या होता है फाइनली महात्मा गांधी अपना लीडर चुनते हैं। इट हैड टू मेन डिमांड, इनका दो मेन डिमांड होता है क्या, विच वे आर नेवर एक्सेप्टेड, जो कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। इनका दो, ऑल इंडिया खलीफात कमेटी जो होता है, खलीफात मूवमेंट जो होता है, उसका दो डिमांड होता है जो कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। पहला क्या होता है, खलीफा सुल्तान मस्ट रिटेन सफिशियंट टेरिटरीज सो दैट ही इज एबल टू डिफेंड द इस्लामिक फेथ, ठीक ना। मतलब उसको सर खलीफा कंट्रोल में सफिशियंट टेरिटरी दिया जाए जिससे कि वो अल्टीमेटली अपना रूल को कंटिन्यू कर पाए। प्लेसेस विच वेर कॉल्ड जैरत उल अरब इंक्लूडिंग अरेबिया, सीरिया, इराक एंड पैलेस्टाइन मस्ट रिमेन अंडर मुस्लिम कंट्रोल, ठीक। तो ये सब जो मेन कोर एरिया वो मुस्लिम कंट्रोल में ही होना चाहिए, ठीक है। फॉर सम टाइम खलीफात लीडर लिमिटेड देयर एक्शन टू मीटिंग्स, पेटिशन, डेपुटेशन इन द फेवर ऑफ खलीफात। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, वो लोग मॉडरेट मेथड अडॉप्ट करते हैं, भैया लेटर लिखेंगे, पेटिशन लिखेंगे, ये सब चीज, ठीक है। लेटर हाउ एवर ए मिलिटेंट टेंट इमर्ज, लेकिन क्या होता है कि जब मॉडरेट मेथड काम नहीं करता है तो उनके अंदर ही क्या होता है, कहीं ना कहीं मिलिटेंट टेंडेंसी आने लगता है कुछ लोगों के अंदर, देर डिमांडिंग एन एक्टिव एजिटेशन सच एज स्टॉपिंग ऑल कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश। तो बाद में क्या होता है कि वो लोग डिमांड करना स्टार्ट करते हैं, भैया ब्रिटिश साथ हम सभी टाइप का जो सहयोग है वो बंद कर देते, ठीक है। फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन पॉलिटिकल एक्शन, स्वामी सजिदानंद ऑफ आर्य समाज वॉज आस्क्ड बाय मुस्लिम्स टू प्रीच फ्रॉम जामिया जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली, वाइल डॉक्टर किचलू अ मुस्लिम वॉज गिवेन द की ऑफ द गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर। तो मेनली क्या होता है, सोसाइटी के अंदर एक मैसेज देने के लिए कि हिंदू मुस्लिम सब यूनाइटेड है, इसलिए क्या होता है कि जो स्वामी जो आर्य समाज के जो लीडर होते हैं ना एक टाइप से हमारे स्वामी सजिदानंद, ठीक है, तो वो मुस्लिम लोग उनको बोलते हैं कि भैया आप आर्य समाज के लीडर हो, ठीक है, आप एक काम करो आके जामा मस्जिद से आप अपना प्रचार करो, ठीक है। और जो एक मुस्लिम होते हैं डॉक्टर किचलू, ठीक ना, उनको बोला जाता है कि आप गोल्डन टेम्पल का चाबी आप रखो, आप केयर टेकर हो आज से, ठीक है। दस एट द ऑल इंडिया खलीफा कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दिल्ली इन नवंबर, इतना तो क्या होता है, ऑल इंडिया खलीफा कमीशन होता है दिल्ली में कॉन्फ्रेंस, ठीक। अ कॉल वॉज मेड टू बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड लेटर खलीफा मैनिफेस्टो वॉज पब्लिश, ठीक। तो मेरे लिए कॉल दिया जाता है क्या दिल्ली के अंदर कि आप भैया सभी ब्रिटिश चीजों का बैकवर्ड करो, और एक मैनिफेस्टो रिलीज किया जाता है। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन जून 1920 एट अलाहाबाद, द एजेंडा ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज फाइनलाइज्ड। तो कांग्रेस भी इधर मतलब कहीं ना कहीं नॉन कोऑपरेशन का एजेंडा पास करती है। तो बायकॉट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन के अंदर क्या क्या चीज था, बायकॉट ऑफ ऑल द टाइटल्स कॉन्फ्रेंस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक। तो गवर्नमेंट ने जिसको जो टाइटल्स दिया सबको बायकॉट कर, सबको वापस कर दो, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा अवार्ड वापसी टाइप का, ठीक है, कोई टाइटल नहीं चाहिए, कोई अवार्ड नहीं चाहिए आपका, अपना नाइटहुड अपने पास रखो। बायकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, जॉब से रिजाइन दे दो। आर्मी एंड पुलिस ऑफ ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ठीक है, इससे आप रिजाइन दे दो। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टैक्स पर पे मत करो। इन 1920 दिल्ली सेशन ऑफ ऑल इंडिया खलीफात कमेटी, गांधी वॉज द प्रेसिडेंट, ही सॉ द इश्यू अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम विच मास एंड यूनाइटेड नॉन कोऑपरेशन कुड बी डिक्लेयर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, क्लियर है। अब देखते हैं कांग्रेस का खलीफा के ऊपर, अच्छा ये चीज समझ में आया कि नहीं, देखना एक बार। देख लो
हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ, देखो इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो आप देख बोल रहे हैं ना इंडिया के अंदर जो कॉम्युनलिज्म इतना ज्यादा बढ़ा है, ठीक है, और कॉम्युनल वायलेंसेस, तो उसको वो हम इंडियन सोसाइटी के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, उसका रीजन क्या था, या और इंडिपेंडेंस के टाइम से अभी तक हमारे क्या क्या कंट्री में हुआ, इसके कारण ये चीज और प्रमोट हुआ, ठीक है। हाँ, हाँ, यूनिटी यूनिटी 1916 से चले आ रहा था, लखनऊ पैक्ट के बाद से ही। हम लोगों ने जो गांधी मूवी का जो क्लिप देखा उसमें क्या देख रहे हैं कि नॉनकॉम्प्रोमाइज मूवमेंट तक, चौरी चौरा इंसिडेंट तक, मतलब नेहरू पटेल जिन्ना सब गांधी सब बैठ के किसी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं एक कॉमन स्ट्रेटजी को लेके उनके बीच में इशू थे, मतलब वो एक तरह से था, मतलब मिनिंग कॉपरेशन था उनके बीच में। उसके बाद क्या होता है नहीं होता हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें से ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखते व्हाट वाज द कॉन्स्ट स्टैंड ऑन खलीफा क्वेश्चन, ठीक। तो गांधी वाज इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग सत्याग्रह एंड नॉन कोऑपरेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑन द खिलाफत इशू। द कांग्रेस वाज नॉट यूनाइटेड ऑन दिस फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्शन, ठीक है। गांधी जी श्योर थे कि भैया मेरे को इनको सपोर्ट करना, बिकॉज गांधी की आइडियोलॉजी क्या था कि अगर हम एक दूसरे के प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, आज मैं अगर उनके प्रोटेस्ट में शामिल होता हूँ, कल वो मेरे भी प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, देखा था हमने, ठीक है, एक दूसरे के प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन कांग्रेस जो था वो इस बात को लेकर यूनाइटेड नहीं था, क्लियर है। क्योंकि क्या था, कांग्रेस को एक मतलब होमोजीनियस ग्रुप नहीं था, उसके अंदर क्या था, हेटरोजीनियस ग्रुप था, उसके अंदर भी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को मानने वाले लोग थे, ठीक ना, कोर हिंदू फिलोसफी वाले भी लोग भी थे, कोर मुस्लिम फिलोसफी वाले भी लोग भी थे, ठीक है, सब टाइप के लोग भरे हुए थे वो उस टाइम में, ठीक है। तो इसलिए गांधी जी मतलब श्योर थे कि भैया हमको लेना है, पार्ट लेना है इसमें, ठीक है, बिकॉज ये अच्छा मौका, अगर आज हम उनके साथ खड़े होते हैं तो कल वो हमारे साथ खड़े रहेंगे, क्लियर है। हाँ, तो बाद में क्या होता है, लेटर गांधी वॉज एबल टू गेट द अप्रूवल ऑफ द कांग्रेस फॉर हिज प्रोग्राम ऑफ पॉलिटिकल एक्शन। लेकिन बाद में क्या होता है, गांधी जी भले कांग्रेस के अंदर सब लोग अप्रूव नहीं करना चाहते इस चीज को, यूनाइटेड नहीं रहते, लेकिन फिर भी गांधी जी अप्रूवल ले लेते हैं, किसी तरह रिजोल्यूशन पास हो जाता है, क्लियर है, मना कौन करे। कांग्रेस सपोर्टेड अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द खलीफा क्वेश्चन, ठीक, क्यों, इट वॉज फील दैट दिस वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू सीमेंट हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड टू ब्रिंग मुस्लिम मासेस इनटू द नेशनल मूवमेंट, क्लियर है। क्योंकि वरना क्यों आए वो मूवमेंट के अंदर, से एग्जांपल वर्कर्स लोग आए, फार्मर्स लोग आए, फार्मर्स लोग क्यों आए, क्योंकि अल्टीमेटली गांधी जी ने फार्मर्स के बीच में रह के चंपारण आंदोलन में दिखाया कि भैया आपको ऐसे फायदा मिल सकता है, तब फार्मर्स आए। वर्कर्स में अहमदाबाद को दिखाया कि वर्कर्स देखो हाँ ऐसे मिल सकता था, वर्कर्स लोग आए। लेकिन अल्टीमेटली एक आप पर्टिकुलर ग्रुप को चाहते हो जिसको कि आपने स्वदेशी के टाइम में एक टाइम से कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया था, ठीक है, अगर उसको आप चाहते हो कि मूवमेंट में हम लाए, मेन स्ट्रीम मूवमेंट में लाए, तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा ना विश्वास, उसके अंदर ट्रस्ट जनरेट करना पड़ेगा कि हाँ भैया कि वी आर विथ यू, ठीक है, हम आपके क्वेश्चन पे भी आपके साथ है, क्लियर है। कांग्रेस वॉज लूजिंग फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल, उसके हमने क्या देखा, कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो मॉडरेट वर्ग था वो भी कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेथड था उसके थ्रू क्या उसको उसमें कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि भैया इससे कुछ रास्ता तो मिल नहीं रहा है हम लोग को, खाली ये लोग कैरेट दिखा रहा है, ठीक है, कि खाली मतलब लॉलीपॉप दिखाया दूर से, कि 1909 में भी लॉलीपॉप दिखाया था हम लोग को, 1919 में भी लॉलीपॉप दिखाया, लेकिन मिला कुछ नहीं हम लोग को, ठीक। स्पेशली आफ्टर जलियांवाला बाग इंसिडेंट, तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद क्या होता है, उनका भरोसा पूरा तरह टूट जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाला, ठीक है, ये एक्सप्लॉइट करने यहाँ पे आया, ठीक। एंड द हंटर कमीशन रिपोर्ट, कांग्रेस वाज अवेयर दैट द मासेस वेर ईगर टू गिव एक्सप्रेशन ऑफ देयर डिस्कॉर्ड, तो कांग्रेस को और महात्मा गांधी को पता था कि जो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा उबाल भर रहा है, तो उसको एक रास्ता देना पड़ेगा, वरना अगर हम रास्ता नहीं देंगे एक्सप्रेस करने का, तो हो सकता है फूटे और घर को सिविल वॉर टाइप का, या फिर नॉन रिवॉल्ट टाइप, मतलब रिवॉल्ट या फिर मिलिटेंट एक्शन टाइप का चीज हो, क्लियर है। मुस्लिम लीग ऑल्सो डिसाइडेड टू गिव फुल सपोर्ट टू द कांग्रेस
एंड इट्स एजिटेशन ऑन पॉलिटिकल क्वेश्चन, ठीक है, नेचुरल से बात है. ऑन सितंबर 1920 एट ए स्पेशल सेशन इन कलकत्ता कांग्रेस अप्रूव्ड अ नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम टिल द पंजाब एंड खलीफात रॉन्ग वेयर रिमूव्ड एंड द स्वराज वाज एस्टैब्लिश्ड. ठीक, अब देखो खलीफात जो इशू था उसका अलग डिमांड था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब अप्रूव किया उसका अलग डिमांड था. उसका डिमांड क्या था कि जब तक पंजाब में जो गलती किया है ना, एग्जाम्पल ये क्या कहते हैं उसको डिवाइड कर दिया था उसको समथिंग अलग एक प्रोविंसेस बना के देखेंगे बाद में. अब मेनली खासकर जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट के टाइम में जो चीज हुआ था, ठीक है, तो मेनली उनका ये था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अप्रूव किया था कांग्रेस ने. उसका डिमांड ये था कि कांग्रेस अप्रूव्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रोग्राम टिल द पंजाब एंड खलीफात रॉन्ग वेयर रिमूव्ड एंड स्वराज वाज एस्टैब्लिश्ड. ठीक है, तो इनका भी डिमांड क्या था, स्वराज था. अब इन्होंने जो अप्रूव किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या प्रोग्राम उसके अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड था, बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस, ठीक है, बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट एंड जस्टिस थ्रू पंचायत, मतलब क्या कोर्ट सिस्टम का बॉयकॉट करो और पंचायत के थ्रू जस्टिस करो, बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, बॉयकॉट ऑफ कॉइन टॉस एंड यूज ऑफ खादी, ऑल्सो प्रैक्टिस ऑफ हैंड स्पिनिंग ऑफ डन. ऑलरेडी हमने देखा था गांधी जी जो दिखा रहे थे ना वहां पे बोल रहे थे कि हमारे पॉवर्टी का ये रीजन है ये सब चीज. रिनाउंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट ओनर एंड टाइटल्स, ठीक, तो गवर्नमेंट ने जो आपको ओनर दिया है अवार्ड दिया है वापस कर दो. मास सिविल डिसोबीडियंस इंक्लूडिंग रिजिग्नेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, रिजाइन कर दो जॉब से, टैक्स मत पे करो. वर्क फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक, ठीक ना, तो मतलब शराब वगैरह का जो ड्रिंक होता है उसको आप प्रोहिबिशन करो. ये काम स्पेशली वुमेन को दे दिया गया था कि कि जहां पे आप एरिया में आपको दिख रहा है शराब वगैरह, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, देखो अब आप ये काम मेल को दोगे तो क्या सिंपल सा बात है, जो वर्क ज्यादा महात्मा गांधी का सिंपल चीज था क्या कि अगर कोई वर्क ज्यादा एक्सप्लॉयटेड है, ठीक है, तो उनके सिचुएशन को उन्हीं के लोग के बीच का कोई बंदा समझ सकता है. इसीलिए क्या हुआ कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना ना तो उस समय क्या था कि कांग्रेस पर फुल मेजोरिटी था, लेकिन उसके बाद भी, ठीक है, अंबेडकर साहब कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी गांधी जी के कहने पर, ठीक है, उनको बंगाल से, ठीक ना, पार्लियामेंट में भेज के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है. क्लियर है? हाँ, मैं ये बोला गांधी जी का सिंपल सा ये कहना था, मानना था कि जो वर्क ज्यादा मतलब एक टाइप से शोषित है या एक्सप्लॉयटेड है ना, उस वर्क का प्रॉब्लम उसी वर्क का इंसान समझ सकता है, कोई आउटसाइडर नहीं समझ सकता, इसीलिए उसको मौका मिलना चाहिए कि उस वर्क को लीड करके या फिर उसका सिचुएशन ठीक करने का चीज मिले. इसलिए क्या हुआ कि जब हमारा आजाद इंडिपेंडेंट हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का टाइम आया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का टाइम आया, तो उसमें कहता है अंबेडकर साहब कांग्रेस का फुल मेजोरिटी था, नो डाउट, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी गांधी जी के बोलने पर, क्योंकि गांधी का ये कहना था कि आजाद भारत का जो संविधान है वो शोषित को बनाना चाहिए, एग्जाम्पल जो लोग इतना साल से ये, जिससे कि अल्टीमेटली जो इतना जो लोअर क्लास ऑफ पीपल है, ठीक, उनके अंदर एक तरह से कॉन्फिडेंस है कि इस कंट्री के अंदर उनके जो डर था ना उनके अंदर कि एक टाइप से जो कहीं ना कहीं हिंदू रूल वापस आ जाएगा, पुराना टाइप का रूल और उनका एक्सपोर्टेशन होगा, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट हो, ठीक है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने कहा उसी वर्ग के एक लीडर को मिलना चाहिए. तो उस समय दूसरा बात क्या था कि एक ये रीजन तो था, दूसरा चीज क्या था, अंबेडकर से ज्यादा कोई एलिजिबल पर्सन था भी नहीं, ठीक है, उनका अगर डिग्री देखोगे तो मतलब खत्म, ठीक है, तो खत्म ही नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होगा बता, हाँ पूना पैक्ट में भी थे वो, ठीक, मतलब देखो रास्ता वैसा अलग था, ऐसा नहीं कि गांधी जी अंबेडकर दोनों मतलब बहुत साथ साथ दोनों के बीच बनता रहा, ठीक है, बहुत सारे इशू पे दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन बोला ना बड़े लीडर के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उनके चमचे मतलब एक टाइप से जो फॉलोअर्स होते हैं ना भक्त लोग आपस में लड़ते हैं, ऊपर उनके बीच डिफरेंसेज होता है तब भी वो मिलकर काम कर लेते हैं जहां पे काम करना होता है, ठीक है, तो क्या हुआ कि जब ये बना तो मिली कांग्रेस पास फुल मेजोरिटी था, लेकिन गांधी जी के कहने पे क्या हुआ कि अंबेडकर जो थे वो कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, भीमराव अंबेडकर, लेकिन उनको बाद में क्या होता है बंगाल की सीट से, ठीक है, उनको पार्लियामेंट में भेजा जाता है, ठीक है, वो महाराष्ट्र से थे लेकिन बंगाल की सीट से उनको पार्लियामेंट में भेजा जाता है, फिर वो वहां पे उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बनाया जाता है. क्लियर, तो यहां पर भी सेम चीज था क्या कि उनका ये कहना था कि देखो कहीं ना कहीं जो अल्कोहल का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका सबसे ज्यादा सफर किसको करना पड़ता है, वुमेन को. पहला रीजन, ड्रिंक करके आने के बाद उनके साथ वायलेंस होता है, ठीक. दूसरा, घर का जो इनकम घर में आना चाहिए, जो घर के खाने पीने में या फिर जो बच्चों पे खर्चा होना चाहिए वो क्या हो रहा है, ड्रिंक पे खर्चा हो रहा है, ठीक है,
ये आदत के कारण क्या हो रहा है, घर का जो वेल्थ हो रहा है या गहने हो रहा है वो बिक रहा है, तो अल्टीमेटली सफर किसको करना पड़ रहा है, वुमेन को। इसलिए इससे अच्छा जो है मतलब वुमेन से जरा सीरियसली काम कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर मान लो कल आप एनजीओ को दे दो, किसी को दे दो, या फिर एक ग्रुप ऑफ वॉलंटियर बना दो, तो वो इस चीज को उतना डील नहीं कर पाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं सफर कौन करना कर रहा है, इसका भुगतना किसको पड़ रहा है, फीमेल को। तो ये फीमेल ही इस चीज को डील कर सकती है, ठीक है। इसीलिए फीमेल का ग्रुप बनाकर उन्होंने बोल दिया कि जहां गांव एरिया में देसी शराब सब मिल रहा है, लाठी लेके जाओ तोड़ फोड़ दो, या फिर वहां बैठे सत्याग्रह करो, मतलब एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ भैया, हाँ भैया, ना भैया देखो मेन बात ये होता है ना कि आज या उस टाइम नहीं देख सकते, उस तरह सिचुएशन क्या होता है, एक होता है मास मूवमेंट, ठीक है, पूरा कंट्री में सब जगह हो रहा है, तो ट्रेंड भी बन जाता है, ठीक है, वो ट्रेंड भी बन जाता है। दूसरा बात ये मेनली क्या हुआ कि खासकर बोल सकते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र, वेस्टर्न इंडिया हुआ, सेंट्रल इंडिया वहां ज्यादा हो सकता है ये चीज, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था ना कि वो भैया यहाँ तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो एक बार औरत बोल बोल दे तब भी आदमी कुछ नहीं पिएगा, ऑल ओवर इंडिया में सेम वुमेन करना पड़ता है, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट या मेन एम्पावरमेंट की जरूरत है। ठीक है, वर्क फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, प्रोहिबिशन ऑफ एल्कोहल ड्रिंक, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ एस्टेब्लिश होता है, हमने देखा था, कलेक्शन ऑफ फंड, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन को लेकर पास किया था कांग्रेस ने रेजोल्यूशन या प्रोग्राम, ठीक। तो 1920 नागपुर सेशन हुआ था, इसमें क्या होता है, 1920 नागपुर सेशन में क्या होता है, नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को एक्सेप्ट करता है कांग्रेस, ठीक। एंड उसके बाद क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों होता है, क्योंकि अभी तक क्या था, कांग्रेस का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है। लेकिन गांधी जी आए, उन्होंने बोला भैया ऐसा काम नहीं चलने वाला है, आप अगर चाहते हो सही में मतलब एक तरह से लीड करना या फिर मतलब एक मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करना, तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट चेंज वॉज मेड इन कांग्रेस, नाउ कांग्रेस डिसाइडेड टू गेन स्वराज। पहले क्या था कि भैया हमको कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड में रहकर ही काम करना है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अब जो कांग्रेस ने क्या किया कि कांग्रेस डिसाइडेड टू गेन स्वराज थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मींस, दस कमिटिंग इटसेल्फ टू एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल। तो पहले कांग्रेस ने क्या बोला था कि भैया 1920 पहले कि भैया हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का यूज करके अपना स्ट्रगल करेंगे, स्वराज का डिमांड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का यूज करके, ठीक है। लेकिन अब क्या लोग बोल रहे हैं कि हम लोग पीसफुल मैनर में लेजिटिमाइज तरीके से स्वराज का डिमांड करेंगे, ठीक है। मतलब ये कि भैया जरूरी नहीं कि हमारा पीसफुल और जो लेजिटिमाइज मींस हो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर ही आता हो, ठीक ना। मतलब क्या अल्टीमेट उसने बोल दिया कि भैया हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड अडॉप्ट करेंगे, लेकिन एक पीसफुल मैनर में और लेजिटिमाइज मैनर में, क्लियर है। हाँ, रूल्स के थ्रू, मतलब कोई इलीगल काम नहीं करेंगे, एग्जाम्पल, ठीक है, उस टाइप से बोले। कांग्रेस डिसाइडेड टू गेन स्वराज थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मींस, दस कमिटिंग इटसेल्फ टू एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल। Some important organizational changes were made. हाँ भैया, क्या चीज, देखो आ, आ, हाँ नहीं, नॉन कोऑपरेशन 1920 से स्टार्ट हो रहा था ना। देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ, लेकिन मूवमेंट अब लॉन्च हुआ, देखो पहले आप क्या था, लोकल लोकल लेवल पे काम कर रहे, ठीक है, लेकिन आप नेशनल लेवल पे काम करने आ, मतलब 1920 में क्या हुआ कि बाद नेशनल लेवल पे मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो नेचुरल सा बात है कि आप छोटे लेवल पे आप काम करो, ठीक है, आपको ऑर्गेनाइज नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं, तब भी काम चलेगा, ठीक है, कि लोकल लेवल पे जो लोकल लीडर उसने बोला काम चलेगा। लेकिन आप जब नेशनल लेवल पे लीड कर रहे हो, ठीक है, तो एक नेशनल लीडरशिप होना चाहिए या नेशनल कमिटी होना चाहिए इस टाइप से, जो कि एक सेंट्रलाइज या फिर मतलब रेगुलेट कर पाए पूरे कंट्री के अंदर। वरना ये होगा कि मान लो यहाँ पे कोई अपने हिसाब चला रहा है, वहां पे अपने हिसाब चला रहा है, वहां पे अपने हिसाब से चला रहा है, ठीक है, तो एक यूनिटी कहां से हो पाएगा मूवमेंट के अंदर, क्लियर है। Some important organizational changes were made. A Congress working committee of 15 members was set up to lead the Congress. मतलब क्या पहले क्या था, कहीं ना कहीं एक आदमी डिसीजन ले रहा है, लेकिन अब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं 15 लोगों का एक Congress working committee बनाया गया, ठीक है, जो कि हर टाइप का डिसीजन को एक टाइप डिस्कस करके वोट करके पास करेगा, ठीक है, ये हो गया। प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस वेर ऑर्गेनाइज, मतलब क्या सेंट्रल लेवल पर तो ये हो गया, ठीक है, स्टेट लेवल पर क्या बनाया गया आपका, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, ठीक है, वो बंगाल है तो बंगाल के अंदर बनाया गया, आंध्र है तो आंध्र के अंदर बनाया गया, गुजरात है गुजरात के अंदर बनाया गया, इस तरह से बनाया गया लोकल लेवल पर, ठीक है। वार्ड कमिटी वाज ऑर्गेनाइज्ड, वार्ड लेवल भी बनाया गया, ठीक है।
एंड एंट्री फी वाज रिड्यूस टू 400। पहले क्या था कि कहीं ना कहीं एक क्लब टाइप का था कांग्रेस, तो एंट्री फी बहुत ज्यादा था, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेंबरशिप चार्जेस हो गया, ठीक है, कि 400 मतलब बहुत कम रिड्यूस कर दिया गया मेंबरशिप चार्जेस, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो आप गांधी जी ने बनाया था ना कांग्रेस वर्किंग कमेटी पहलो का, ये आज के टाइम में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मेनी ग्रुप्स ऑफ रिवोल्यूशनरी टेरिटरीज स्पेशली दोज फ्रॉम बंगाल आल्सो सपोर्टेड द कांग्रेस प्रोग्राम, ठीक है। अब क्या है कि बहुत सारे रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स थे, उन्होंने भी कांग्रेस प्रोग्राम को एक टाइप से सपोर्ट किया था। एट दिस स्टेज अब देखो बात किया था कांग्रेस ने क्या बोला कि भैया कि हम लोग अपना जो मूवमेंट होगा उसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। तो अब सिंपल से बात है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड जैसे जैसे उन्होंने बोला, तो कुछ लोग जो कि ब्रिटिश के क्लोज रहना चाहते थे, ठीक ना, उनके कान में जब वर्ड गया एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, तो उनको लगा कि भैया अगर मैं इनके साथ रहूंगा तो अब प्रॉब्लम हो सकता है ब्रिटिश के साथ, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, उन्होंने कांग्रेस से डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिया। समझ में आया चीज। तो एट दिस स्टेज सम लीडर्स लाइक मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बीसी पाल, बिपिन चंद्र पाल लेफ्ट द कांग्रेस एज दे बिलीव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लॉफुल स्ट्रगल, व्हाइल सम अदर्स लाइक सुरेंद्रनाथ बनर्जी फाउंडेड द नेशनल इंडियन लिबरल फेडरेशन। ये याद रखना है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या होता है, कुछ लोगों ने क्या किया कि कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, बिकॉज वो मानते थे कि नहीं भैया हमको जो स्ट्रगल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज के अंदर ही रखना है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर ही रखना है, ठीक। और कुछ लोगों ने क्या किया कि कांग्रेस छोड़ के अपना एक अलग पार्टी बना लिया, जैसे ये सुरेंद्रनाथ भैया ने हमारे, तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बनाया एंड प्लेड अ माइनर रोल इन द नेशनल पॉलिटिक्स। उसके बहुत ही छोटा मोटा रोल लोकल लेवल पर उन्होंने किया, लेकिन कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाया, ठीक है, क्लियर यहां तक। इट वॉज द फर्स्ट कंट्री वाइड पॉपुलर मूवमेंट, ठीक है। गांधी विद अली ब्रदर्स अंडरटूक ए नेशनल वाइड टू, ठीक है। तो मेनली कहा गांधी कहीं ना कहीं नॉन कोऑपरेशन के एक टाइप से लीडर, और अली ब्रदर्स कहीं ना कहीं खलीफात इशू के लीडर, ठीक है। तो दोनों ने पूरे देश में घूम के प्रचार किया। अबाउट 90,000 स्टूडेंट्स लेफ्ट कांग्रेस गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। तो मेनली कहा लगभग 100,000 बच्चों ने क्या किया, गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज को छोड़ दिया, कुछ मतलब जो नेशनल स्कूल बने थे उसको ज्वाइन किया। मेनी लॉयर्स गेव अप देयर प्रैक्टिसेस, बहुत सारे लॉयर्स ने अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया, जिसमें से एग्जाम्पल मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है, उन्होंने अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया, जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया, सी आर दास ने अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया, राजगोपाल चारी ने अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया, ये किचवी साहब ने अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया, वल्लभ भाई पटेल ने अपना छोड़ दिया, अशरफ अली ने छोड़ दिया, राजेंद्र प्रसाद ने अपना छोड़ दिया, ठीक है। हीप ऑफ फॉरेन क्लोथ्स वेयर बर्न पब्लिकली एंड देयर इम्पोर्ट फेल बाय हाफ, ठीक है। तो मेनली क्या था, इम्पोर्ट जो क्लॉथ था, फॉरेन क्लॉथ जो था, उसका बर्निंग स्टार्ट हो गया, लोगों ने उसका बायकॉट खोली जलाना स्टार्ट किया, जिसके कारण क्या हुआ कि उसका डिमांड घट गया, ठीक है। पिक्टिंग ऑफ शॉप सेलिंग फॉरेन लिक्विड, तो जो लोग विदेशी शराब बेच रहा था उसका दुकान को मतलब जाके सत्याग्रह किया गया वहां पे, तो उनको किया गया, ठीक है। एंड टॉडी शॉप अंडरटेकन एट मेनी प्लेसेस, तो देसी या विदेशी शराब दोनों को एक टाइप से ट्रीट किया गया कि भैया ये नहीं चलने वाला है, तो वहां पे महिलाओं ने जाके प्रोटेस्ट किया, अपना सत्याग्रह किया और उसको बंद करवाया। तिलक स्वराज फंड क्या हुआ, अरे भैया वही ताड़ी वाड़ी नहीं होता है, तिलक स्वराज फंड वॉज ओवर सब्सक्राइब। तो मेनली क्या होता है, एक फंड क्रिएट किया जाता है मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो लोगों ने इतना सपोर्ट दिया कि वो फंड का मतलब एक टाइप से लिमिट रखा गया था कि हमको मतलब एक टाइप से एम रखा गया था कि हमको 1 करोड़ रुपए जमा करना है, ठीक है। तो लेकिन इतना ज्यादा मतलब लोगों ने सपोर्ट किया कि वो फंड जो था वो ओवर सब्सक्राइब हो गया, ठीक है, मतलब जितना सोचा था उन लोगों ने उससे ज्यादा वहां पर डोनेशन आ गया। In July 1921, Ali brother gave a call to the Muslim to resign from the army as that was unreligious. तो उनको ये बोला, Ali brothers ने बोला कि भैया आप लोग army से resign दे दो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं अगर आप बोल रहे हो कि कंट्री के अंदर बोल रहे हो आर्मी से आप रिजाइन दे दो, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने बोल दिया भैया एंटी नेशनल हो तुम, तो उसको जेल में डाल दिया, ठीक है। Ali brother was arrested. Gandhi echoed their call and asked local Congress committee to pass similar resolution to that effect. तो गांधी ने क्या किया, Ali brother के अरेस्ट होने के बाद उनका जो कॉल था, ठीक ना, उसको मतलब एक तरह से प्रमोट करने का स्टार्ट किया। नाउ द कांग्रेस गेव अ कॉल टू ऑल लोकल कांग्रेस बॉडीज टू स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस, ठीक। ऑलरेडी अ नॉन टैक्स मूवमेंट अगेंस्ट यूनियन बोर्ड, मतलब क्या होता है बंगाल के अंदर नॉन टैक्स मूवमेंट स्टार्ट रहता है अपना, ठीक है। आंध्र प्रदेश में भी नॉन टैक्स मूवमेंट चलता रहता है कि भाई आपको टैक्स नहीं देना है, ठीक। इन आसाम, आसाम के अंदर क्या होता है, टी प्लांटेशन का होता है, और रेलवे सर्विस वाले क्या होता है, स्ट्राइक कर देते हैं, ठीक है, क्लियर। जेम्स एन गुप्ता वाज अ प्रोमिनेंट लीडर इन द स्ट्राइक, हटाओ जो भी। तो मेनली क्या होता है कि इंडिया के बहुत सारे पार्ट में क्या होता है, लोग नॉन टैक्स मूवमेंट चलाते हैं, वहां पर टैक्स पे नहीं करते, दूसरे देश क्या होता है, प्लांटेशन वर्कर या फिर रेलवे वाले हड़ताल कर देते हैं, ठीक है।
इन 1921 द विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स ऑफ इंडिया इनवाइटेड स्ट्राइक एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो फाइनली क्या होता है कि इंग्लैंड के जो महाराजा होते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया आते हैं, ठीक है, 1921 में। तो क्या होता है उसके इंडिया आने के खबर के बाद क्या होता है, इंडिया के अलग अलग पार्ट में बहुत ज्यादा स्ट्राइक होता है, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है इस टाइम में, क्या होता है बहुत सारे लोकल लेवल पर मूवमेंट हमारा स्टार्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल अवध किसान मूवमेंट स्टार्ट होता है यूपी में, एका मूवमेंट स्टार्ट होता है यूपी में, मोपिला रिवॉल्ट स्टार्ट होता है मालाबार में। मोपिला रिवॉल्ट हमने ऑलरेडी देख चुका है भैया, ठीक ना, वो हमने देखा था पीजेट रिफॉर्म के अंदर, ठीक है। क्या इशू रहता है कि वहाँ पर ज्यादातर जो एक टाइप से जो फार्मर्स होते हैं वो मुस्लिम्स होते हैं, जो ज्यादातर जमींदार जो होते हैं वो हिंदू होते हैं, ठीक है। तो सेम प्रॉब्लम ऑल ओवर इंडिया फेस करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर क्योंकि इसको रिलीजियस अनफॉर्चुनेटली या फिर मान लिया जाए कोइंसिडेंटली रिलीजियस अलग अलग होता है, इसलिए वहाँ उसको एक रिलीजियस या कोई कॉमनल कलर दे दिया जाता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था बहुत डिटेल में पीजेंट एजुटेशन वाले चैप्टर में। उसका सिख एजुटेशन होता है, ठीक है, जिसको अकाली मूवमेंट हमने पढ़ा था, ठीक है। तो लोकल लेवल पे बहुत सारा मूवमेंट होता है, तो इसको एक बार देख लो खुद से। अब भैया ये कहाँ से थे ये मेरे को नहीं पता, यूपी से होंगे शायद। एंड्रिया सिसिली, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ब्रिटिश आर्मी ने क्या काम किया था, ऑटोमन एम्पायर को हटाने का, ठीक है। तो नेचुरल सा बात है कि जिसको आप पवित्र मान रहे हो उसी में उसी के मतलब उसी को आप हटा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये अनहोली काम हो गया ना। देखो पहले और पहले क्लास में हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल सब कुछ किया, ठीक है, उसका हेल्प अभी हम लोग को मिल रहा है कि ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है चीजों को समझने में। नाइनटीन थर्टी में वो लोकल लेवल पे था, उसके बाद छोड़ दो। ये देखो सिविल डिसोबिडियंस अलग होता है, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट अलग है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। स्पेशली वो रिलीजियस आंदोलन था, तो अपने लोगों को बोला कि उनके पास वो लॉजिक था कि नहीं इन्होंने हमारे रिलीजन के धर्म गुरु को हटाया, इसलिए आप इस पर अगर ये काम करें तो कहीं ना कहीं आप रिलीजन के अगेंस्ट जा रहे हो। कांग्रेस के इससे ज्यादा जुड़े हुए थे मुस्लिम लीग के साथ। देखो मेनली क्या होता है, देखो मेनली देखा बात यह होता है ना कि बिना व्हाइट के ब्लैक का कुछ वैल्यू नहीं होता है, ठीक है।
बिना निगेटिव के पॉजिटिव का कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह क्या है कि बिना कोर एक्स रिलीजन आइडियोलॉजी के, बिना वाई कोर रिलीजन आइडियोलॉजी के पर्सन का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक ना। तो दोनों ने एक दूसरे को फीड किया, दोनों ने एक दूसरे ग्रोथ से फायदा पहुंचाया, दोनों एक दूसरे बड़ा हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे इनके लिए सावरकर है तो उनके लिए जिंदा है, ठीक है। तो दोनों ने एक दूसरे को कहीं ना कहीं हेल्प किया एक दूसरे के स्टेटस को बढ़ाने में, ठीक है। तो बाद में हम लोग देखेंगे। और दोनों ने साथ में मिलकर गवर्नमेंट भी बनाया था, पता है एक चीज, दोनों ने साथ में मिलकर प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में गवर्नमेंट भी बनाया था, सावरकर जी ने और मतलब उस इन्हें और इसका इसने हिंदू महासभा और इसने मिलकर मुस्लिम लीग ने मिलकर, हाँ। और दोनों ने टू नेशन थ्योरी का कॉल दिया था, टू नेशन थ्योरी का कॉल जिन्ना से पहले सावरकर ने दिया था 1937 में, उन्होंने टू नेशन थ्योरी का कॉल दिया था। जिन्ना ने तो 1940 में दिया था कि दो नेशन होना चाहिए, सावरकर ने उससे पहले दे दिया था 1937 के अंदर। और ये कोई ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा, गूगल में मतलब हर जगह इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इस चीज। इशू तो हर इंसान हर रिलीजन का तब भी इशू रहता है, ये घर में दो लोग रहता है उसके भी इशू रहता है, जब तक इंसान धरती पे तक इशू रहेगा ही, उसको नेचर ही इंसान का इशू करने वाला है। तो आगे बढ़े। तो अब क्या था, इतना सब कुछ हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, अगर तुम लोगों का हो गया तो हम भी स्टार्ट करते हैं अपना कुछ, ठीक है। तो फिर फाइनली गवर्नमेंट आता है, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या होता है, वो लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, टॉक बिटवीन गांधी एंड रीडिंग्स। तो क्या होता है, गांधी और जो समय का जो वाइसराय था उनके बीच में क्या होता है कि बातचीत स्टार्ट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट चाहते हैं क्या कि वो गांधी जी है ना अली ब्रदर्स को समझाए, ठीक है, कि अपना कुछ कुछ जहाँ पे वायलेंस का जो अली ब्रदर्स है ना अपने स्पीच के अंदर जो वायलेंस का बात कर रहे हैं उस चीज को हटा दे, ठीक है। मतलब क्या कि वाइसराय साहब गांधी के साथ मीटिंग करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं कि आपके जो ये पार्टनर है ना इस मोमेंट में अली ब्रदर्स, उनको आप थोड़ा समझाओ कि ये जो वायलेंस वगैरह का जो बात करते हैं ना ये टाइप से, ठीक है, कि आर्मी छोड़ दो वायलेंस वगैरह, ठीक है, जो थोड़ा मिलिटेंट हो रहे थे, इनको आप समझाओ कि थोड़ा ठंडा रखें, ठीक ना, ठीक। अब देखो गांधी को पता था कि भैया ये जो है अल्टीमेटली मेरे को बुला के अल्टीमेटली करना क्या चाह रहा है, फूट डालना चाहता है, ठीक है, ठीक है। तो गांधी रियलाइज दैट द गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू डिवाइड हिम एंड द खलीफा लीडर एंड रिफ्यूज टू फॉल इन टू द ट्रैप, ठीक है। बापू ऑलरेडी अफ्रीका में देख चुके हैं 25 साल लोगों को। गवर्नमेंट केम डाउन हैवीली, तब क्या होता है गवर्नमेंट का ये चाल जो होता है ना मतलब एक टाइप से भेद वाला, ठीक है, कि भेदना वो उसमें गवर्नमेंट फेल हो जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट तो उसका क्या होता है, अब आता है फोर्स के ऊपर, बातचीत फेल तो इसमें डिप्लोमेसी फेल तो वॉर। तो गवर्नमेंट केम डाउन हैवीली ऑन द प्रोटेस्टर्स, वॉलंटियर कॉप्स वेयर डिक्लेयर्ड इलीगल, पब्लिक मीटिंग वेयर बैंडेड, द प्रेस वाज गैग्ड एंड द मोस्ट ऑफ द लीडर्स बेयरिंग गांधी वाज अरेस्टेड। तो यहाँ पे क्या होता है, गांधी जी को छोड़ के होता है क्या कि सबको अरेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर गांधी को अरेस्ट कर दिया तो लोग को साथ रहने के लिए बोलेगा कौन, ठीक है। इसलिए क्या होता है, हाँ इसलिए क्या होता है, एक बार जब कुछ सब सबको शांत हो जाता है ना उसके बाद फिर गांधी को अरेस्ट करता है लोग 6 साल के लिए। जब फाइनली सब कुछ हमने देखा क्या था, चौरी चौरा होता है यहाँ पर, ठीक है, चौरी चौरा हुआ, उसके बाद गांधी जी सबको वायलेंस रोकने के लिए अनशन करते हैं, ठीक है, अनशन क्या सब कुछ सब ठीक ठाक हो जाता है, उसके बाद से पुलिस को अरेस्ट कर लेता है 6 साल के सेडिशन पर। इन फरवरी 2022 गांधी थ्रेटन्ड, अब क्या होता है इतना सब कुछ होते रहता है तो क्या होता है 1922 में गांधी जी है ना अल्टीमेटम देते हैं क्या कि भैया वो एक सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट स्टार्ट करने वाले, सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट स्टार्ट करने वाले कहां, बरदोली से, ठीक है। अगर गांधी ने ये बोला कि सारे क्या सिचुएशन क्या, देखो गांधी को छोड़ के बाकी सब पॉलिटिकल लीडर्स को बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जेल में बंद, ठीक है। तो गांधी जी ने ये बोला, अब कहते हैं गांधी जी बरदोली के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे काम कर रहे थे लोग, कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे थे, लोगों को तैयार कर रहे थे इस मूवमेंट के लिए कैसे इसमें करना है। अब कहते हैं गांधी जी ने ये बोला कि अगर सारे पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं छोड़ा गया तो हम बरदोली से, ठीक है, 1922 में बरदोली से सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट स्टार्ट करने वाले, ठीक है। गांधी थ्रेटन्ड टू लॉन्च सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट फ्रॉम बरदोली गुजरात इफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स वेयर नॉट रिलीज्ड एंड प्रेस कंट्रोल वेयर नॉट रिमूव्ड। द मूवमेंट हैड हार्डली बिगन बिफोर इट वॉज ब्रॉट टू एन एब्रप्ट एंड। मतलब क्या, ये जो गांधी जी ने धमकी दिया एग्जाम्पल, ये थ्रेटन किया कि भैया आपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को नहीं छोड़ा तो हम सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले क्या हो जाता है, चौरी चौरा का इंसिडेंट हो जाता है जिसके बाद गांधी जी सब कुछ बंद कर देते हैं।
बोलते बेटा तुमसे ना हो पाएगा, अभी तुम कंस्ट्रक्टिव वर्क पे ध्यान दो, स्ट्रक्चर को तैयार करने पर ध्यान दो, ठीक है। हमने और कन्वर्सेशन देखा था, अब चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था ऑलरेडी हमने देख लिया था, ठीक है। तो शॉर्ट बस पढ़ते जाता हूँ, रीडिंग मारते जाता हूँ। चौरी चौरा इंसिडेंट एंड द विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अ स्मॉल विलेज नेम चौरी चौरा, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में, ठीक है। पुलिस हियर हैड बीटन फ्यू वॉलंटियर्स कैंपेनिंग अगेंस्ट द लिक्विड सेल एंड द हाई फूड प्राइस एंड देन ओपन फायर ऑन द क्राउड विच हैड केम टू प्रोटेस्ट बिफोर द पुलिस स्टेशन, ठीक है। द एजिटेटेड क्राउड टॉस्ड द पुलिस स्टेशन, 22 पुलिसमैन वर किल्ड इन अ वायलेंस, गांधी नॉट हैप्पी विद द इंक्रीजिंग वायलेंट ट्रेंड। तो चौरी चौरा इंसिडेंट सिर्फ अकेला ऐसा इंसिडेंट नहीं था, उसके अलावा क्या था, वायलेंस ट्रेंड कहीं ना कहीं बढ़ रहा था, ठीक है। वायलेंस इंक्रीज हो रहा था मूवमेंट के टाइम में, तो गांधी वॉज, लेकिन वो क्या था, एक टाइप से होता है ना कि एक टाइप से क्लाइमेक्स, ठीक है। चौरी चौरा इंसिडेंट वाज द क्लाइमेक्स, उसके पहले भी बहुत सारा वायलेंस हो रहा था। तो गांधी नॉट हैप्पी विद द इंक्रीजिंग वायलेंट ट्रेंड ऑफ द मूवमेंट इमीडिएटली अनाउंस द विथड्रॉल ऑफ द मूवमेंट। कांग्रेस वर्किंग कमिटी मीट एट बरदोली 1922 एंड अनाउंस टू स्टॉप ऑल एक्टिविटी दैट लीड टू ब्रेकिंग ऑफ लॉ एंड गेट डाउन टू कंस्ट्रक्टिव वर्क। मतलब सब कुछ आप एक्टिविटी छोड़ के कंस्ट्रक्टिव वर्क पर ध्यान दो। मतलब कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या होता है कि लोगों को भलाई के लिए काम करना, एडुकेशन प्रमोट करना, सफाई प्रमोट करना, सब चीज का, विच इंक्लूड पॉपुलेशन ऑफ खादी, खादी को पॉपुलर करो, नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करो, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करो एंड एक्सिबिलिटी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करो, ठीक है। ये क्लियर है। मोस्ट ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर इंक्लूडिंग सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, हाउएवर एक्सप्रेस देयर कंफ्यूजन एट गांधी डिसीजन टू विदड्रॉ मूवमेंट। मतलब लगभग जो बड़े बड़े लीडर सब कहीं ना कहीं गांधी जी का जो बात था कोई भी एग्री नहीं कर रहा था उनकी बात से, कोई भी नहीं। मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास फॉर्म द स्वराज पार्टी रिजेक्टिंग गांधी लीडरशिप। तो फाइनली क्या होता है कि जो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास होते हैं वो क्या करते हैं, फाइनली अपना मतलब गांधी लीडरशिप को रिजेक्ट करके कांग्रेस पार्टी एस्टैब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। मैनी नेशनलिस्ट हैड फेल्ड दैट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुड नॉट हैव बीन स्टॉप्ड ड्यू टू द आइसोलेटेड इंसिडेंट ऑफ वायलेंस। बहुत लोग का ये मानना था कि कुछ कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हो रहा है वायलेंस का, तो इसके लिए इस मूवमेंट को नहीं मतलब स्टॉप करना चाहिए हम लोग को, जो हमने कन्वर्सेशन में सुना था, ठीक है। इन मार्च 1922 गांधी वाज अरेस्टेड एंड सेंटेंस टू 6 years इन जेल, ठीक है। सेडिशन के चार्ज में देशद्रोह का मुकदमा चलता है, उनके ऊपर उनको जेल भेज दिया जाता है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? पढ़ना है कुछ एक बार, चलो ऑलरेडी बताया हुआ था। वाई गांधी जी विदड्रॉ द मूवमेंट, गांधी जी ने विदड्रॉ क्यों किया मूवमेंट। गांधी फेल्ड दैट पीपल हैड नॉट लर्न और फुली अंडरस्टूड द मैटर ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है। इंसिडेंट लाइक चौरी चौरा कुड लीड टू एक्साइटमेंट एंड टर्न द मूवमेंट वायलेंट। अब ये एक इंसिडेंट था, लेकिन क्या हुआ, एक जगह इंसिडेंट हुआ तो क्या हुआ, बाकी सभी लोग उससे इंस्पायर लेके उसको एज एग्जाम्पल सेट करके बाकी जगह भी उसको एक्सक्यूज मान के वायलेंट कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे मानो ना बुरा क्लास चुप बैठा है, ठीक, एग्जाम्पल अगर मान लो कुछ कुछ बच्चे हल्ला करे तो सबको एक मौका मिल जाता है ना वो हल्ला करने का। जैसे मैंने बोला ना कि मान लो कि आप ऑनेस्ट ऑफिसर हो, ठीक ना, अगर मान लो आपने जिंदगी में एक बार भी लॉ तोड़ा, एक बार भी तोड़ा, तो क्या होता है आपके जूनियर सबको मौका मिल जाता है आपको पंगु उठाने का, देखो आपने भी तो लॉ तोड़ा, तो हमने तोड़ा, आपने तोड़ा, फर्क क्या हो गया आपका। जो हमने एग्जाम्पल दिया था ना कि अगर डीएम है एग्जाम्पल, उसके पास एक औरत है, इसके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, ठीक है, उस टाइप का, तो वहाँ पे वो भले उस केस में भी नहीं तोड़ सकता, बिकॉज उसने एक बार उसको बेनिफिट देने के लिए भले अच्छे इंटेंशन के साथ क्यों नहीं लॉ उसने तोड़ा, लेकिन वो एक्सक्यूज बन जाता है दूसरों के लिए। अ वायलेंट मूवमेंट कुड बी इजिली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश, जो हमेशा गांधी का कहते हैं भैया थोड़ा सा वायलेंस होगा गवर्नमेंट को मौका मिल जाएगा मतलब एक टाइप से पूरा फोर्स अप्लाई करने का। अ वायलेंट मूवमेंट कुड बी इजिली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश that could use the incident of violence as an excuse to use the army against the protesters. ठीक, एक नॉर्मल अगर मान लो कि लोग बैठ के प्रोटेस्ट करें शांतिपूर्ण, तो वहां पर आर्मी नहीं बुला सकता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वायलेंस होता है तो भड़ाक से आर्मी बुला सकता है। द मूवमेंट वॉज ऑल्सो शोइंग साइन ऑफ टाइटनेस। अब देखो इतना बड़े लेवल पर नेशनल मूवमेंट है, लोग सबको छोड़ छाड़ के अपना मतलब 2 साल से लगातार मूवमेंट में है, ठीक है, तो नेचुरल से बात है कि मासेस के पास भी अपना सेक्रीफाइस करने का एक लिमिटेशन होता है, ठीक है। तो गांधी जी को भी दिखने आया था कि मूवमेंट कहीं ना कहीं एक टाइप से टायर्ड हो रहा है या फिर बहुत लंबा जा रहा है, ठीक। द मूवमेंट वॉज ऑल्सो शोइंग साइंस ऑफ टायर्डनेस, दिस वॉज नेचुरल एज इट इज नॉट पॉसिबल टू सस्टेन एनी मूवमेंट एट अ हाई पिच फॉर अ लॉन्ग। क्लियर है, लंबे टाइम तक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर मूवमेंट रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। गवर्नमेंट सीम टू बी नो मूड ऑफ नेगोशिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, गवर्नमेंट कोई नेगोशिएशन के मूड में भी नहीं था, करता है करो, हल्ला करो, क्या होगा। अली ब्रदर्स बिगेन डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द
देमसेल्फ फ्रॉम द गार्डियन ऑफ द कांग्रेस। तो अली ब्रदर्स जो था कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा वायलेंट चीजों को एक टाइप से मतलब प्रमोट करके कहीं ना कहीं गांधीन आइडियोलॉजी या फिर गांधी जी का जो नॉन वायलेंट के ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस था उससे कहीं ना कहीं इस आइडियोलॉजी से दूर जा रहा था। ठीक है, अली ब्रदर्स क्रिटिसाइज गांधीज एक्सट्रीम कमिटमेंट टू नॉन वायलेंस। ठीक, खिलाफत स्ट्रगल वीकेंड एज मुस्लिम वेयर डिवाइडेड बिटवीन वर्किंग ऑफ द कांग्रेस खलीफात कॉज इन द मुस्लिम लीग। ठीक है, तो क्या था कि कहीं ना कहीं खलीफात स्ट्रगल जो वीक हो रहा था बिकॉज मुस्लिम जो थे इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं तीन चार पार्ट में डिवाइड। ठीक, एक खलीफात कॉज के साथ कुछ कांग्रेस के साथ थे, कुछ मुस्लिम लीग के साथ है। ठीक है, खिलाफत लीडर्स फ्रेगमेंटेड ऑन डिफरेंट पॉलिटिकल लाइंस। अभी देखो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर तो नहीं था ना, ये क्या हुआ कि एक इंसिडेंट हुआ उसको प्रोटेस्ट करने के लिए सभी लोग आपस में मिल गए, तो नेचुरल से बात है कोई स्ट्रगल तो मतलब एक टाइप से स्ट्रक्चर था नहीं, तो सब लोग आपस में मिलेंगे तो उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी सामने आएगा टाइम के साथ। जैसे एग्जाम्पल ले लो ना कि 2011 में क्या हुआ, 2011 में क्या हुआ था, 2011 में एक कंट्री वाइड क्या हुआ, एक मूवमेंट हुआ था। ठीक है, तो मूवमेंट हुआ था तो बहुत सारे लोग आए थे। ठीक है, 2011 में बहुत सारे लोग आए थे, सेम चीज यहाँ पर भी था, खलीफात का अचानक से एक इशू हुआ तो उसको प्रोटेस्ट के लिए इतना लोग साथ में आए, तो वो जो 2011 में सब लोग साथ में आए थे, क्या उन्होंने उस समय काम किया, लेकिन विद द टाइम क्या हुआ कि कोई इस पॉलिटिकल पार्टी में चला गया, कोई इस पॉलिटिकल पार्टी में चला गया, किसने अपना पॉलिटिकल पार्टी बना लिया, तो मेरे क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सबका आने लगा साथ में। ठीक है, तो सेम चीज वहां पर भी था खिलाफत के टाइम में भी। सेंट्रल थीम, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेंट्रल थीम ऑफ द एजिटेशन द खलीफात क्वेश्चन डिसअपीयर्ड सून। अब क्या होता है, टर्की को क्या होता है कि ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई कर लिया, अब टर्की का जो नया सुल्तान बना उसने क्या हुआ कहीं उसको तो एक तरह से ब्रिटिश से सपोर्ट किया था, ब्रिटिश का पपेट टाइप का था वो। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया कि ब्रिटिश टर्की को एज अ सेक्युलर नेशन घोषित कर दिया। ठीक है, तो नेचुरल से बात है कि अब उसका खुद का सुल्तान जो नया खलीफा जो बन रहा है एग्जाम्पल, उसने खुद बोल दिया कि भैया हम रिलीजियस ग्रुप नहीं है, हमारा कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है। ठीक है, तो इसलिए खलीफात इशू भी खत्म हो गया। सेंट्रल थीम ऑफ द एजिटेशन द खलीफात क्वेश्चन डिसअपीयर्ड सून। In November 1922, people of Turkey rose under Mustafa Kemal Pasha. Turkey was made secular state. Thus, the Khalifat question lost its relevance. A European style of legal system was established in Turkey and extensive rights granted to women. ठीक है, educated was nationalized and the modern agriculture industrial development ये हुआ टर्की के अंदर। ठीक है, तो ना फाइनली 1924 में क्या होता है, खलीफात को abolish कर लिया जाता है टर्की के द्वारा। क्लियर, तो देखते हैं फाइनली इवोल्यूशन, देखते हैं दोनों का मतलब एक टाइप से क्या इवेल्युएट करते हैं अल्टीमेट समरी। तो मूवमेंट वॉट्स मुस्लिम हिंदू द नेशनल मूवमेंट बट एट द सेम टाइम इट कॉमनलाइज द नेशनल पॉलिटिक्स। तो मुस्लिम्स को लाया लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इसने इश्यू को कॉमनलाइज कर दिया। नेशनल लीडर्स फेल टू रेज मुस्लिम टू द लेवल ऑफ सेक्युलर पॉलिटिकल कॉन्साइंस। ठीक है, उनको एक सेक्युलर पॉलिटिकल व्यू उनके अंदर डेवलप करने में फेल रहे, उन्हें सपोर्ट किया बिकॉज खलीफा के इशू को लेकर ही। खलीफात इज रिगार्डेड एज अ पॉलिटिकल एजिटेशन बेस्ड ऑन द पैन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट प्लेटफॉर्म एंड बींग लार्जली इंडिफरेंट टू द कॉज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, में कुछ लेना देना नहीं था। विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स रीच्ड एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। ठीक है, कंट्री का हर पार्ट के अंदर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स पहुंचा और लोगों के अंदर नेशनलिज्म प्रमोट हुआ। द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल इनफ टू ब्रेक द बैक ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड पॉसिबली इवन द कैटलिस्ट फॉर द मूवमेंट दैट लीड टू द इंडिपेंडेंस। इतना ठीक है, ये चीज हुआ। तो ये हमारा खत्म क्या होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कुछ डाउट कुछ पूछना है? ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या बताया था कि मैंने क्या होता है, जब जब हमारा एक क्या होता है कि देखो यंगर जनरेशन जो होता है या लोग जो होता है अपना एनर्जी करके सब कुछ छोड़ छाड़ के मूवमेंट में आता है। ठीक है, लेकिन अचानक से मान लो मूवमेंट गायब हो जाए तो क्या होता है, वो लोग बैकयार्ड में जा नहीं सकता है। ठीक है, वापस अपने नॉर्मल लाइफ में जा नहीं सकता है। ठीक है, और दूसरा बात होता है इतना ज्यादा सर पे चढ़ जाता है वो नेशनलिस्ट फीलिंग। ठीक है, कि अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं अब क्या सोचता है कि अपना ग्रुप बना के या इंडिविजुअल लेवल पर कुछ काम करे। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि इंडिया के अंदर हम लोग जो मिलिटेंट रिवोल्यूशनरी पढ़ते हैं, रिवोल्यूशनरी ग्रुप जो पढ़ते हैं, जो कि टाइप से वायलेंस करते हैं, या भगत सिंह इसको मान लिया जाए। ठीक है, जिसको बहुत जगह एग्जाम मतलब बुक्स में टेररिस्ट भी बोला गया, बहुत जगह मिलिटेंट भी बोला गया, बहुत जगह रिवोल्यूशनरी बोला गया। ठीक है, तो हम लोग रिवोल्यूशनरी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो मेनली क्या होता है, इंडिया के अंदर जो रिवोल्यूशनरी होता है उसको दो फेज में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक क्या होता है 1908 से लेकर 1914 तक का फेज। ठीक है, फिर एक क्या होता है 1922 से लेकर 1928 तक का फेज। अब देखो 1908 वाला फेज क्यों, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट था, बहुत हाई पिच का मूवमेंट था, लेकिन अचानक से बंद। क्लियर, तो यूथ अब जाए तो जाए कहां। ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए क्लिप दिखाऊंगा मैं आज। ठीक है, इससे और समझ में आ जाएगा अल्टीमेटली क्या इशू। तो यहां पर भी क्या, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सब लोग साथ में आए लेकिन अचानक से बंद, तो एनर्जी जो स्टोर है बॉडी में कहां जाए लोगों का। ठीक है,
इसका रीजन हाँ एक इस एग्जांपल से इसका क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो। आज गांधी का मूवी नहीं दिखाऊंगा, बहुत देख लिया आप लोगों ने, आज कुछ अलग दिखाता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? ठीक है चलो। एक सेकंड भैया, पहले मैं खुद देख लेता हूँ, वही है कि नहीं, क्योंकि नाम में गलत दिखा रहा है लोग। मैंने टाइप किया था भगत सिंह, तो ये आ रहा है यहाँ पर, क्या बैंगर सिस्टर, पता नहीं क्या आ रहा है। एक सेकेंड, बंद क्यों हो गया ये? क्या आ गया ये? हट, वो नहीं दूसरा है, मेरे को भगत सिंह के नाम पर उल्लू बना दिया। चलो कभी और दिखाता हूँ।